भाई मेरे, अगर इस तरह तुमने सिलेक्शन करनी थी और इस तरह आपने वर्ल्ड कप जाना है ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए वो सेरे लेके नहीं खड़ा हुआ, वो ये करेगा आपको हल्का सा बॉल इस तरह हुआ है, हल्का सा दुबई में पल्ले किसी के नहीं पड़ा, हल्का सा पीछे हुआ है, वो बुबी का केड़ा मेल का मार्च लगा वहां पर सारे पकड़ाई देखे। इस मिडल ऑर्डर के साथ, इस टीम के साथ मैं आपको बता दूं, अगर पाकिस्तान कहीं पहले राउंड से बाहर ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाजरीन पाकिस्तान का इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक शिकस्त पर कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने भी कौमी टीम को खरी खरी सुना दी। आज की वीडियो में हम आपको शुएब अख्तर की वीडियो भी दिखाएंगे, साथ तफसील से बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के निशान को जरूर प्रेस कर दें। आपको बताते चलें, कल कराची में होने वाले T20 मैच में पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तानी ओपनर बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छा खेल पेश किया और पाकिस्तानी टीम का मिडल ऑर्डर एक बार फिर नाकाम हुआ। मिडल ऑर्डर में खुशदिल शाह, इफ्तखार अली और हैदर अली थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मिसिंग की और पाकिस्तान का स्कोर 20 ओवर में 159 रन बनाया, जबकि पहले 9 ओवर में तकरीबन 80 स्कोर था। शुएब अख्तर का कहना था, अगर ये टीम आप वर्ल्ड कप के लिए लेके जा रहे हैं तो आप पहले ही मैच में बाहर हो जाएंगे, टीम से सिफारशी लड़के निकाल लो और मेरिट पर टीम बनाओ। नाज़रीन, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। वर्ल्ड कप के लिए किस प्लेयर को टीम में खेलना चाहिए या किस को ना खेलना चाहिए, अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। शुक्रिया।